तेलंगाना में जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, स्पेशली खम्मम महबूबाबाद जैसे जिलों में बहुत नुकसान हुआ है। हजारों घर के अंदर पानी आया और गरीब लोग जो स्लम एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, बहुत अफेक्टेड हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस दिन फ्लड्स के अंदर जो लोग इफेक्ट हुआ, पहला दिन मुख्यमंत्री जी से बातचीत किया है। होम मंत्री अमित शाह जी भी तेलंगाना मुख्यमंत्री से बातचीत करके असिस्टेंस दिया है, जो भी जरूरत पड़े सहायक हेल्प करेंगे। एनडीएफ टीम्स भी इस रिलीफ एक्टिविटी के अंदर भेजे हैं, बहुत हेल्प किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हर गांव में जो फ्लड इफेक्टेड लोगों के लिए हेल्प करके पानी देना, फूड पैकेट्स देना और उनको रहने का व्यवस्था करना सरकार के साथ मिलकर काम किया है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तेलंगाना स्टेट के डिजास्टर फंड के संबंधित रेस्पॉन्स फंड के संबंधित पैसे है, उस पैसे खर्च करके तुरंत रिलीफ एक्टिविटी में काम करना चाहिए। ये मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यही अनुरोध करता हूं। उसके बाद रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स आएंगे, असेसमेंट करेंगे। स्पॉट असेसमेंट करने के बाद और जितना जरूरत पड़े उतना सहायता केंद्र सरकार के द्वारा तेलंगाना जनता को देंगे हम। जरूर अभी रिलीफ एक्टिविटी होना है, कुछ जगह अभी पानी नहीं मिला, कुछ जगह दूध भी नहीं मिला, फूड पैकेट्स भी नहीं मिला। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उसमें कॉन्सेंट्रेशन कर रहे। अभी जो मंत्री अभी तुरंत उधर गए तो ऑफिसर्स का दृष्टि रिलीफ एक्टिविटी से ज्यादा इसमें प्रोटोकॉल में चले जाते हैं, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इच्छा है अभी तुरंत ऑफिसर्स ही रहना चाहिए, ऑफिसर्स रिलीफ एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए। तेलंगाना लिबरेशन डे जो सितंबर 17 को हुआ है, सारी भारत में 15 अगस्त 1947 आजाद मिला, मगर हमारा तेलंगाना प्रांत को एक साल एक महीने के बाद 1948 सितंबर 17 को आजाद मिला है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस सितंबर 17 को सरकार के तरफ से फेस्टिवल बनाना चाहिए। हमारे को आजाद मिला, इस धरती पर तिरंगा लहराया गया, मगर पहले टीआरएस सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार के तरफ से फेस्टिवल नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार 2 साल से जो तेलंगाना लिबरेशन डे गवर्नमेंट के तरफ से बना रहे, अभी इस साल भी हम ये कार्यक्रम होगा। सरकार, भारत सरकार ने तय किया है जब तक तेलंगाना सरकार आगे आकर इस फेस्टिवल नहीं करते हैं, जब तक केंद्र सरकार ही हर साल ऑफिशियली तेलंगाना लिबरेशन डे करने के लिए निर्णय किया है, ये आने वाले दिन में भी होगा। इस सितंबर 17 को भी हैदराबाद में कार्यक्रम होगा, उसमें केंद्र के तरफ से हम आदरणीय होम मंत्री अमित शाह जी को आह्वान किया है।